अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायना जदोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग जो है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका जो टॉपिक हमारे पास नर्वस सिस्टम था उसको कवर करेंगे। सो इससे पहले नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दो वीडियोज जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। अब हम लोग इस वीडियो में जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले नर्वस सिस्टम की जो दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग वो एक बार अच्छे से सुन लें ताकि आगे आपका ये टॉपिक समझने में जो है आप लोगों को आसानी हो सके। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास नोट्स थे वो भी मैं इस वीडियो के एंड में यहीं पे इस वीडियो में ही जो है वो एड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो वही नर्वस सिस्टम का आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं तो मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही। सो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड देयर एसोसिएटेड गैंग्लिया। ऑन डायसेक्शन द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आर सीन एज अ ग्रेइश व्हाइट कोर्ड। दे आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स सपोर्टेड बाय डेलिकेट एरुलर टिश्यूज। ओके, ये सिर्फ एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को अभी तक पता होगी, क्योंकि मैं ये बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना हुआ होता है, और उसके अलावा उसमें कुछ एसोसिएटिंग गैंग्लियॉन्स होते हैं जो कि उन उस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी नरिशमेंट करवा रहे होते हैं और उनकी माइलिन शीट वगैरह की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो उनके एसोसिएटेड गैंग्लियॉन्स होते हैं। अच्छा, अब जब डायसेक्शन की जाती है तो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ग्रेश व्हाइट कलर की नजर आती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो एक्सॉन, ठीक है, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, और उसके अलावा एरुलर टिश्यूज जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो किस चीज से कंसिस्ट होता है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पीछे ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व्स, ये 12 क्रेनियल नर्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनसे मिलकर बना होता है, और 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब चलते हैं क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स है क्या। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट लीव द ब्रेन एंड पास थ्रू द फोरामेनम इन द स्कल। ऑल द नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हेड एंड नेक एक्सेप्ट द 10th वेगस व्हिच आल्सो सप्लाइज द स्ट्रक्चर इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दिस द क्रेनियल नर्व्स आर डिस्कस इन चैप्टर 11। अच्छा, अब क्रेनियल नर्व्स होती क्या है? बेसिकली क्रेनियल नर्व्स जो हैं हमारे पास वो 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो कि ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। ब्रेन से निकलते हैं किस तरीके से? स्कल के अंदर कुछ फोरामेन्स होते हैं, अलग अलग फोरामेन आपको मिलेंगे, ओव्यूल फोरामेन, फोरामेना ओव्यूल होगा, फोरामेना इसके अलावा जुगलर फोरामेना होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ना फोरामेन स्कल के अंदर होते हैं, ठीक है। यह भी आप जब सीएनएस करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। सिर्फ अभी सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि स्केल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोरामेना होते हैं, वहां से अलग अलग टाइप की जो है वो क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, लाइक यहां पे ये 12 क्रेनियल नर्व्स है ना हमारे पास, ऑल्फैक्ट्री नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व है, ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल नर्व, अब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसियल नर्व। तो ये 12 हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो स्कल के अंदर डिफरेंट फोरामेनास होते हैं जहां से ये जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है। वो जब आप सीएनएस का चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन मैं एक बार आपको वो भी दिखा देती हूं। जैसे ये यहां पे जो है आपको स्कल की डायग्राम दी गई है, ठीक है। अब यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट, यहां पे देखो क्रीबरी फ्रॉम वो प्लेट है, उसके अलावा फोरामेन सीकम है, ठीक है, उसके अलावा फोरामेन जो है स्पाइनोजम है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पे डिफरेंट डिफरेंट फोरामेन्स मिलेंगे। सो ये फोरामेन रुडेंटम हो गया, फोरामेन लैक्रियम हो गया, फोरामेन ओव्यूल हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट फोरामेन्स होते हैं, ठीक है, जहां से ये नर्व्स निकल रही होती हैं। सो अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है,
अकॉर्डिंग टू स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ्यूचर में आप लोग ये सारी चीजें इस तरीके से डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्रेनियल नर्व जो है वो निकल रही होती है। सो इस तरीके से ये नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व निकलती है स्कल से। अच्छा, ऑल दी नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हेड एंड नेक एक्सेप्ट दी 10th वेगस। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो ये सारी नर्व्स है ना, ऑल क्रेनियल नर्व्स जो है ये हेड एंड नेक के ही स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास 10th वेगस नर्व है ना वो हमारे पास जो है थोरेक्स, और वो किसको सप्लाई करती है, स्ट्रक्चर ऑफ थोरेक्स इन एब्डोमेन। एब्डोमेन एंड थोरेक्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मेनली वेगस नर्व जो है क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। वेगस नर्व से रिलेटेड आपको जो भी डिटेल है वो आगे जो एब्डोमेन का चैप्टर होगा उसके अंदर पूरी क्लियर हो जाएगी। सो ये क्या था, क्रेनियल नर्व्स के बारे में सिंपल डिस्कशन थी जो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं। अ टोटल ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरमेन इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब यहां पे क्या बता रहे हैं आपको कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करी होती है, लीव करी होती हैं, और इंटरवर्टिब्रल फोरमेन होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वहां से ये नर्व जो है वो पास होती हैं या उसको क्या करती है वहां से ये निकल भी होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए वो पास कहां से होती है, इंटरवर्टिब्रल फोरमेन से। सो इसके कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स के हमारे पास जो है वो 31 पेयर्स होते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बनी हुई है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से और यहां से कैसे हमारे पास जो है वो इंटरवर्टिब्रल फोरमेन से ये नर्व जो है वो पास हो गई हैं, ठीक है। ये कौन कितनी होती हैं, जैसे सर्वाइकल नर्व्स हो गए 8 पेयर्स मिलेंगे, थोरेसिक के 12 पेयर्स मिलेंगे, लंबर के 5, सैक्रल के 5 के, और 1 हमारे पास किसका, कॉक्जियल का हमारे पास 1 मिलेगा। सो ये पूरे इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को लीव करती हुई पास कहां से करती है, इंटरवर्टिब्रल फोरमेन से पास करते हुए ये इतनी सारी नर्व जो है वो निकलती है हर स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। सर्वाइकल के लिए डिफरेंट होती है, थोरेसिक के लिए डिफरेंट होती है, लंबर के लिए डिफरेंट, और सैक्रल एंड कॉक्जियल के लिए डिफरेंट। सो ये हमारे पास स्पाइनल नर्व से रिलेटेड था कि ये लोग यहां पे स्पाइनल नर्व में क्या डिस्कस करें। उसके बाद क्या है, स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विथ विच दे आर एसोसिएटेड, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्जियल। नोट दैट देयर आर 8 सर्वाइकल नर्व्स एंड ओनली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड दैट देयर इज 1 कॉक्जियल नर्व एंड 4 कॉक्जियल वर्टिब्रा। अच्छा, अब ये जिस ये ना वर्टिब्रल कॉलम के रीजन के अकॉर्डिंगली इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर सर्वाइकल नेचर रीजन के लिए स्पाइनल नर्व्स निकल रही है तो वो 8 सर्वाइकल नर्व्स कहलाएंगे, थोरेसिक रीजन के लिए तो उन्हें 12 थोरेसिक रीजन के लिए 12 थोरेसिक नर्व्स ही निकलेंगे, फिर 5 लंबर हैं वर्टिब्रा तो उनके लिए 5 लंबर नर्व्स हमें मिलेंगी, ठीक है। सैक्रल है 5 तो उनके लिए 5 सैक्रल, और उसके अलावा 1 कॉक्जियल। लेकिन यहां पे क्या है कि ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो 8 सर्वाइकल नर्व होती हैं, ठीक है। यहां पे क्या है कि देर आर 8 सर्वाइकल नर्व्स एंड ओनली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड देर एज ओनली 1 कॉक्जियल नर्व एंड 4 कॉक्जियल वर्टिब्रा। ये याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। 7 यहाँ पे सर्वाइकल रीजन होते हैं, लेकिन हमारे पास नर्व कितनी है, नर्व हमारे पास जो है वो 8 है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, लेकिन नर्व हमारे पास क्या होंगी, 8 होंगी। इसी तरीके से कॉक्जियल नर्व जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे 1 पेयर है कॉक्जियल नर्व का, लेकिन हमारे पास जो कॉक्जियल वर्टिब्रा होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। सो आपको किस तरीके से 31 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व मिलते हैं, लाइक 8 क्रेनियल नर्व्स के, 8 सर्वाइकल नर्व्स की नर्व्स होंगी, 12 जो होते हैं वो थोरेसिक नर्व्स होंगी उनके पेयर्स होंगे, 5 लंबर नर्व के पेयर्स होंगे, उसके अलावा 1 कॉक्जियल का और 5 सैक्रल के हमारे पास पेयर्स होंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 31 पेयर्स ऑफ दी हमारे पास क्या निकलेंगी, स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स निकलेंगे, ठीक है। यहां पे मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के एंड में भी मैं सारे नोट्स जो है वो पोस्ट कर दूंगी। सो उसके बाद अब क्या है,
अब ये क्यों होती हैं उसको बता, इसमें ये आपको रीजन बताएंगे कि क्यों हमारे पास जो है वो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है लेकिन हमारे पास नर्व जो है वो एट सर्वाइकल नर्व हैं। इस तरीके से क्यों हमारे पास वन जो है वो कॉक्सियल नर्व है हालांकि हमारे पास कॉक्सियल वर्टिब्रा जो है वो चार है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड ग्रोज इन लेंथ मोर स्लोली देन द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो स्पाइनल जो कॉर्ड है ना उसकी लेंथ बहुत ही स्लो जो है वो ग्रो कर रही होती है एज कम्पेयर टू जितनी जल्दी वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे पास ग्रो करता है। इन एडल्ट वेन ग्रोथ चीजेस द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रीजेस इनफियरली ओनली एज फार एज द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है एडल्ट में तो उस वक्त जब चेजेस जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जब जो है वो इन नर्व्स को मतलब डिस्टर्ब होती है मीन्स कि चेजेस मतलब कोई थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो जो लोअर एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो इनफियरली चला जाता है एज फार एज दी लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्राए। फर्स्ट लंबर वर्टिब्राए तक जो है उसके लोअर बॉर्डर तक जाके इनफियरली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पहुंच जाती है। टू अकम्पनेंट फॉर दिस डिसएप्रोप्रिएट ग्रोथ इन लेंथ द लेंथ ऑफ द रूट्स इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्योंकि अब इसके साथ उसको अकोमोडेट भी करना है तो इस डिसप्रोप्रिएट ग्रोथ को जो है ओवरकम करते हुए जो लेंथ होती है रूट्स की, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है डाउन की तरफ। ठीक है, वो और ज्यादा लेंथी हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, इन द अपर सर्वाइकल रीजन द स्पाइनल नर्व रूट्स आर शॉर्ट एंड रन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली बट द रूट्स ऑफ द लंबर एंड सेक्लर नर्व्स बिलो द लेवल ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द कॉर्ड फॉर्म अ वर्टिब्रल बंडल ऑफ द नर्व्स दैट रिसेम्बल अ हॉर्स टेल एंड इज कॉल्ड द कॉर्डा इक्विना। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स की जो नर्व्स होती है ना वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव करी होती हैं लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो लंबर एंड सैक्रल रीजन की होती है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो उसकी लेंथ को टर्मिनेट करने के लिए वो वर्टिकल बंडल्स की फॉर्म में जो है एक हॉर्स टेल बना देती हैं जिसे हमारे पास कॉर्डा इक्विना कहते हैं। ये इस तरीके से ये कॉर्डा इक्विना किस तरीके से बनाती है, लंबर जो नर्व्स होती हैं और उसके अलावा जो सैक्रल होती हैं वो आपस में मिलकर हमारे पास एक यूं आपस में पेयर बना लेती हैं ताकि वो अपनी लेंथ को जो है वो शॉर्ट कर सकें और वर्टिब्रल कॉलम के साथ आके जो है थोड़ा सा क्योंकि स्पाइनल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ उनकी रूट्स की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है तो इस तरीके से वो एक बंडल की फॉर्म में आ जाएंगी ताकि कम स्पेस को जो है वो कम स्पेस में वो आ सकें। ठीक है, और उनकी जो लेंथ है उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। ईच स्पाइनल नर्व्स इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट्स। अच्छा, यहां तक तो ये सिर्फ ना स्पाइनल ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से डेवलप होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तरीके से वो लेंथ होती है, किस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फॉर्म होते हैं। बस आपसे पूछा जाएगा कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो कौन सी होती हैं और कितनी कितनी रीजन्स में होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रल होती है और 1 कॉक्रेजल नर्व का पेयर होता है। तो ये पेयर की फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, सो यहां तक आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया कि क्रेनियल नर्व क्या है, स्पाइनल नर्व क्या है। अब एक स्पाइनल नर्व बनती किस तरीके से, ठीक है, ये सारी डिटेल जो है वो यहां पे होगी। ओके, सो ये पूरी डिटेल ना आपको स्पाइनल नर्व में बताएंगे कि और ये वाली डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये तो कॉमन से क्वेश्चन थे लेकिन यहां से जो आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन आपको बताएंगे, फिर किस किस रीजन को किस तरीके से उसकी रूट्स क्या है, उसकी सेंसरी किस तरीके से रूट है, मोटर किस तरीके से, तो ये सारी चीजें होंगी। इससे पहले यहां तक के जो नोट्स बनाए थे वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है कंसिस्ट किससे होता है, क्रेनियल नर्व से, स्पाइनल नर्व से और उनके एसोसिएटेड गैंग्लियॉन से। सो ये आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डायसेक्शन करने पे क्या मिलता है, डायसेक्शन पे हमें मिलता है कि स्पाइनल नर्व जो होती हैं और क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ग्रेश वाइट कॉर्ड्स की होती है।
क्यों ये व्हाइट ग्रेश व्हाइट कॉर्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये नर्व फाइबर्स एक्सॉन से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है, और सपोर्ट इन्हें एलुलर टिश्यूज कर रहे होते हैं। सो ये अब तक जितना हमने स्नेल में इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा, ये उसमें ये डिस्कशन आपको यहाँ पे दी गई है। सो उसके बाद क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया कि क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास जो है वो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ओक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसिन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिब्लोकोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स थी, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि ऑल देयर इज नर्व्स लीड द ब्रेन एंड पास थ्रू द फोरमेना इन द स्कल, इम्पॉर्टेंट ऑल द नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हेड एंड नेक एक्सेप्ट दी वे सप्लाई दी स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपको स्पाइनल नर्व्स के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो है वो स्पाइनल नर्व के हैं, कि ये सारी जो है वो ब्रेन को रिलीव करती हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाले पॉइंट जो है वो क्रेनियल नर्व्स के ही हैं, ये वाले पॉइंट जो है वो सारे क्रेनियल नर्व्स के हैं, कि ये सारी नर्व जो होती है वो ब्रेन को पास करती हैं, ये ब्रेन से निकलती हैं और पास कहां से होती हैं, फोरमेना इन द स्कल, ठीक है। उसके बाद आपको वेगस नर्व के बारे में बताया गया था कि इसमें जो वेगस नर्व है वो जो है वो थोरैक्स एंड एब्डोमेन को सप्लाई करती है। उसके बाद स्पाइनल नर्व के बारे में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो है हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से लीव करते हैं थ्रो इंटरवर्टिब्रल फोरमेन। और आपको पता होना चाहिए कि 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, 12 थोरैसिक नर्व्स होती हैं, 5 लंबर नर्व्स पेयर होते हैं, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सियल। सो ये आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में, और यहां से आपको स्पाइनल नर्व के बारे में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो यहां तक आपका जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के बारे में जो बताया गया था वो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इससे पहले जो डिस्कशन की है हम लोगों ने, इससे पहली जो डिस्कशन हुई है उसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शनली इसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में फंक्शनली बताया था, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है वो, और इसके बाद ये कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटीरियर से रिलेटेड, ठीक है, कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर किस तरीके से होता है और किस तरीके कंपोज होता है। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एंड देन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स तक, ठीक है। अब यहां तक जो है वो इस वीडियो में डिस्कशन हो चुकी है। सो यहां तक जितने भी नोट्स हैं वो मैं इसी वीडियो में जो है वो लास्ट में जो है वो ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग इजीली देख सकें। अब जो है वो मेन डिस्कशन जो होगी नेक्स्ट वीडियो में वो स्पाइनल नर्व से रिलेटेड होगी, ठीक है। वो डिफरेंट होगी बिल्कुल, ये स्पाइनल नर्व से रिलेटेड जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। अब तक जितना भी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुई है, अगर उसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके रिस्पॉन्स जरूर दूंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग स्पाइनल नर्व को डिटेल से डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं। टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइज़।